तो यहाँ पर ये तो था हमारा थोड़ा सा रिवीजन जो हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में लिया। और अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइम जो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, वो है जो यूज़र फ्रेंडली है विंडोज़ 11 है। और इस टाइम हम जो सीख रहे हैं विंडोज़ 10 है। इंशाल्लाह 11 पर भी आपको एक देंगे, और जो प्रीवियस वर्जन था इसका जो गुज़र गया वो विंडोज़ 7 एंड 8 एंड 7 लिख देता हूँ मैं, ये गुज़र गया। ये ऑब्सलीट हो चुके हैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये इस टाइम इन यूज़ है और काफ़ी लोग अब इसकी तरफ स्विच कर रहे हैं। मतलब अगर हम थोड़ा सा यूँ लिखें कि इस पे जो यूज़ है वो 90% है, और इस पर जो यूज़र है इस टाइम 3% है, और इस टाइम जो इस पे यूज़र है अब तो बचा ही नहीं, तो फिर भी हम इसको डाल देते हैं, चले इसके 90 में से तो कुछ कम कर लेते हैं, 85 कर देते हैं इसको। और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि 5% यूज़र यहाँ पर भी अभी भी होगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है क्या। तो चले आए थोड़ा चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई बताइए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है क्या। और मैं आपको साथ साथ ये भी सिखाता जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई चैट जीपीटी इसको एक हमें कंपैरेटिव एनालिसिस दो। हम यहाँ लिखते हैं क्रिएट कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन विंडोज़ 10 कॉमा विंडोज़ 11 एंड विंडोज़ 7, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो अब देखें ओपन बार्ड चैट जीपीटी हमें एक बहुत ज़बरदस्त इसका कंपैरेटिव एनालिसिस बना के देगा, और इससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो कह रहा है कि देखिए रिलीज़ हुआ था विंडोज 7 22 2009 में, 10 रिलीज़ हुआ है July 99 2014 में, विंडोज़ 11 रिलीज़ हुआ है October 5 2021 में, ठीक है। इनिशियल डेट्स आपको पता चल गई। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इसमें जो यूज़र इंटरफेस था क्लासिक स्टार्ट मेन्यू था, एरो ग्लास था, जबकि इसमें स्टार्ट मेन्यू विद लाइव टाइटल बार टास्क बार विद कॉर्टाना है। कॉर्टाना जैसे गूगल का वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, जो एक फ़ीमेल का नाम है उसका, जिसको वो वॉइस पर ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वो काम कर रहा होता है, सलियाना सफीना पता नहीं क्या ऐसा कोई नाम है, मैं भूल गया हूँ, तो इनका कॉर्टाना है। तो उसके बाद ये सेंटर्ड स्टार्ट मेन्यू है, इसका स्टार्ट मेन्यू सेंटर में आएगा। रीडिजाइन टास्क बार उसमें थोड़ा सही किया और विडगेट्स को ऐड किया गया है। परफॉर्मेंस में सॉलिड बट ओल्डर टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा थी परफॉर्मेंस लेकिन अब पुराना हो चुका है, इसकी इम्प्रूव करते रहे हैं, अभी इम्प्रूव की है परफॉर्मेंस। फास्टर बूट टाइम है इसका, जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ऑप्टिमाइज फॉर न्यू हार्डवेयर बेटर परफॉर्मेंस, और इसमें नए हार्डवेयर की सपोर्ट को भी ऐड कराया गया है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में अगर बात करें तो लोअर वर्क ऑन ओल्डर हार्डवेयर, तो ये मतलब पुराने हार्डवेयर के ऊपर काम कर लेगा, और मॉडरेट सपोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर, और नए हार्डवेयर को ये सपोर्ट करेगा। और इसके आगे हायर रिक्वायर्स नेवर हार्डवेयर TPM 2.0 ये उसको भी सपोर्ट करेगा। सिक्योरिटी में बेसिक सिक्योरिटी फीचर था, इसमें इससे ज़्यादा इन्हांस किया गया और इसको और एडवांस करके सिक्योरिटी फीचर को ऐड करा दिया गया। इसमें बिट लॉकर ऐड कराया गया था, और एंड सपोर्ट में इसकी सपोर्ट जो सर्विसेज हैं एंड हो चुकी हैं January 14, 2022 में और 20 में, और जबकि इसकी सर्विसेज अब तक एक्सटेंड की जा रही हैं। मतलब अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं विंडोज़ 10 तो इसकी सर्विसेज ऑनलाइन आपको मिलेंगी रजिस्टर्ड कॉपी पे, और एक्टिव है लेटेस्ट अपडेट्स अभी इसकी जारी है विंडोज़ 11 के अंदर। अपडेट सर्विस पैक लेस फ्रीक्वेंट थे, अब इसके अंदर रेगुलर अपडेट आ रही हैं, ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं आप इसको पर रजिस्टर्ड कॉपी को, और फ्रीक्वेंट अपडेट्स इसकी चल रही हैं, फोकस हो रहा है कि क्या उनकी अपडेट दे रही है। वाइडली कंपैटिबल विथ ओल्डर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, पुराने कंप्यूटर जितने भी उस पर कंपैटिबल है विंडोज 7, लेकिन नए हार्डवेयर पे ये कंपैटिबल है और पुराने पर भी, और लेकिन ये तो फिर और ये कह रहा है विद ओल्डर एंड हार्डवेयर लिंक लिमिटेड कंपैटिबिलिटी, लेकिन पुराने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे इसकी कंपैटिबिलिटी लिमिटेड है, मतलब 100% ये सपोर्ट नहीं करेगा। वर्चुअल डेस्कटॉप इसमें नो नेटिव सपोर्टेड था, जबकि नेटिव सपोर्ट विद इम्प्रूव फीचर्स हैं, और इसमें भी वर्चुअल डेस्कटॉप में किया गया है। गेमिंग इसके अंदर बेसिक सपोर्ट था, इसमें डायरेक्ट एक्स 12 इंट्रोड्यूस कराया गया, जबकि इसमें डायरेक्ट स्टोरेज और HDR इम्प्रूव गेमिंग फीचर्स भी इंट्रोड्यूस कराया गया। ऐसे काफ़ी सारी इसने हमें इसके अंदर बेसिक सपोर्ट के भी, स्नैप असिस्टेंट था, स्नैप लेआउट था, फाइल एक्सप्लोरर बेसिक डिज़ाइन था, इसमें रिबन भी ऐड कर दिया गया और न्यू डिज़ाइन इम्प्रूव कर दिया गया। काफ़ी आपको इसने कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिया है जो आपको तीनों के बारे में बता रहा है। फिर बाद में भी इसने बताया सिक्योरिटी के हवाले से, सपोर्ट एंड अपडेट के हवाले से, गेमिंग के प्रोडक्ट के हवाले से। तो अब आपको पता चला कि ये नए ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 जो है
ये एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है इस टाइम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हम जब सीखते हैं तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम सीखना शुरू करते हैं, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए, ये जो आप बार देख रहे हैं इसको हम कह रहे होते हैं टास्क बार, और इसके बाद ये हमारा कहलाता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के अंदर जाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा क्या कहलाता है इसको, ओके, इसको हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर आ रहा है जो कि यहाँ पर ये यह कुछ शॉर्टकट्स आ रहे हैं, पावर शट डाउन रीस्टार्ट स्लिप मोड के कुछ शॉर्टकट्स हैं, और यहाँ पे वीडियो पिक्चर्स डाउनलोड्स पे जाने के शॉर्टकट्स हैं जिनमें आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स पे जा सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने डॉक्यूमेंट खुल गया। विंडोज़ के अंदर आपको सारी चीज़ें इस फ्रेम के अंदर ही नज़र आएंगी, और इस फ्रेम को इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये इसका टाइटल बार है, ये इसका रिबन है, ये इसका होम टैब है, ये शेयर टैब है, ये व्यू टैब है, ये डिफरेंट टैब्स हैं, और ये इसका जो है एड्रेस बार नज़र आ रहा है, ये इसका हमें नेविगेशन बार नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हमारा ये आ रहा है जो इसका विंडो एरिया है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके डेस्कटॉप पर क्या है, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्लिक करते हैं यहाँ पे वीडियोस के ऊपर, तो वो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या है। तो इस तरह वन विंडो ऑपरेशन कर सकते हैं आप, इस पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं किस चीज़ में क्या है। इसके अलावा आप यहीं से क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट के बजाय डाउनलोड के फोल्डर में, म्यूज़िक के फोल्डर में, पिक्चर्स के फोल्डर में, वीडियो के फोल्डर में जा सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं, शट डाउन करना है तो पावर के बटन पर क्लिक करके शट डाउन कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऐप्स भी दिखाई दे रही हैं। विंडोज़ 10 को डिफाइन बनाया गया है डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर के साथ स्मार्टफोन और टैबलेट पे यूज़ करने के लिए, मतलब आप इसका टैबलेट मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐप्स भी दी गई हैं, और इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी इंटरफेस दिया गया है, मतलब अगर कोई मोबाइल यूज़र है तो उसको इस तरह का इंटरफेस समझ में आएगा, और जो पुराना विंडो का डेस्कटॉप का यूज़र है उसको ये समझ में आएगा। जिस तरह आपका एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर है, इसका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी है ऐप्स डाउनलोड करने के लिए। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को खोल सकते हैं, और यहाँ पर भी कई आपको फ्री ऐप्स मिल जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। सर स्क्रीन फुल ब्लर है, ओके, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि इंटरनेट स्लो हो गया हो, या मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन डिस्कनेक्ट करके। अभी भी ब्लर नज़र आ रही है स्क्रीन आपको? अच्छा, अभी भी ब्लर नज़र आ रही है। चले मैं इसको ऑफ़ करके फिर दोबारा से खोलता हूँ स्क्रीन का जो शेयरिंग मोड है उसको मैं। ओके, अब कैसी नज़र आ रही है स्क्रीन आपको, चेक करके बताएं। अब आपको स्क्रीन कैसी नज़र आ रही है? अब आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही है? मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बता दें सारे कि अब स्क्रीन सही नज़र आ रही है उनको। अब देखें कैसी नज़र आ रही है आपको स्क्रीन, अभी तो ब्लैक आ रही होगी। अब देखिए, अब सही नज़र आ रही है, चैट बॉक्स में बताइए। ओके, चलें हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये बता रहा था जैसे विंडोज 10 के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास गूगल के अंदर प्ले स्टोर होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ख़ुद का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। तो ये आप यहाँ पे जाके जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नज़र आएगा। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये भी प्ले स्टोर की तरह ही काम करता है, और इसमें भी आप साइन इन कर सकते हैं अपनी जीमेल की आईडी लगाकर, या फिर
किसी और याहू की या हॉटमेल की या एमएसएन की आईडी को कनेक्ट करके, और फिर यहाँ पर से भी आप कई सारी फ्री और पेड ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ 10 में। अब आप सोच रहे होंगे सर, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में पहले डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पे इस्तेमाल होता रहा तो उसकी ऐप्स मौजूद हैं, तो फिर ये प्ले स्टोर देने की क्या ज़रूरत थी? अब मेरा ख्याल है ये प्ले स्टोर खोलने से ये ब्लर हो जाती है। अच्छा, अब देखिए, अब स्क्रीन सही नज़र आ रही है आपको? अब स्क्रीन सही दिख रही है? नहीं दिख रही सही स्क्रीन? ये जो नॉट लिखा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 वगैरह, ये सही दिख रहा है? सही दिख रही है, ठीक है। वो मेरा ख्याल है फिर मैं स्टोर नहीं खोलता हूँ, शायद उसकी वजह से ब्लर हो रही है, शायद वो कॉपीराइट वगैरह का इशू है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। तो जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसके ऊपर अपना अपना जीमेल का आईडी लगा के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप्स जो उस पर मौजूद हैं। तो मैं जवाब ये दे रहा था आपको कि ये जो है प्ले स्टोर वाला जो मामला है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाला जो मामला है, ये बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इज़ जस्ट लाइक प्ले स्टोर जो हमें एंड्रॉयड पे मिलता है, और इसमें भी हम काफ़ी सारी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं जो फ्री भी हैं पैड भी हैं। मैं ये कह रहा था कि भाई ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो फिर वहाँ से ऐप्स मिल जाती हैं, क्या मकसद है? देखिए, विंडोज 10 को जो डिज़ाइन किया गया है ना, ये स्मार्टफोन पे भी इंस्टॉल हो सकता है, टैबलेट पे भी हो सकता है, और इसके अलावा क्रोम बुक्स जो आते हैं, विंडोज़ टैबलेट भी आते हैं, उस पर भी इंस्टॉल हो सकता है। तो इसलिए इसके अंदर इंटरफेस उस पर यूज़ होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, और जो डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर होंगे उसमें डायरेक्टली जो भी ऐप्स हम इंस्टॉल करना चाहें सॉफ्टवेयर वो भी कर सकते हैं, और ऐप्स भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। लेकिन सारी ऐप्स जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मिलती हैं वो मोबाइल ऐप्स हैं, यानी कि विंडोज़ फ़ोन के लिए, विंडोज़ टैबलेट के लिए, विंडोज़ बुक के लिए, इनके लिए। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको अलग से इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे नहीं मिलते। तो अभी हम देखते हैं, इसका जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स को अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो अब ये फोल्डर क्या होता है? फोल्डर देखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ विंडोज़ की बेसिक फोल्डर कंसेप्ट है। फोल्डर इज़ जस्ट लाइक अ स्पेस इन ऑन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, ठीक है। और ये कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे एक स्पेस होता है, और उसका काम क्या है? विच इज़ यूज टू स्टोर अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स फाइल्स सेपरेटली, ठीक है। तो सेपरेटली इसको फाइल्स और फोल्डर्स को अलग अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को अलग अलग सेव कर सकें। वेयर इज़, अगर हम फाइल्स की बात करें तो फाइल्स क्या होती हैं? फाइल्स आर द ऑब्जेक्ट डेराइव्ड फ्रॉम सॉफ्टवेयर विच कंटेंड इंफॉर्मेशन डेटा इन टर्म ऑफ लाइक टेक्स्ट वॉइस वीडियो नंबर्स या उसके अंदर कह सकते हैं इमेजेस एंड सो ऑन। मतलब फाइल्स जो होती हैं वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं और वो किसी सॉफ्टवेयर से वजूद में आते हैं, मतलब फाइल्स खुद से क्रिएट नहीं होती, उनको किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर डेटा होता है। डेटा मतलब टेक्स्ट हो सकते हैं, लाइक वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, उसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, वो एक्सेल की फ़ाइल हो सकती है, वो कोई अकाउंट्स की फ़ाइल हो सकती है, वो डेटाबेस की फ़ाइल हो सकती है, उसके अंदर वीडियो हो सकती है, वॉइस हो सकती है, वो ऑडियो फाइल हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है। ये सारी चीज़ें फाइल्स में होती हैं, और फाइल्स में ये सब इनको हम डेटा ही कह रहे होते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से वजूद में आती है, डायरेक्टली खुद क्रिएट नहीं होती। जबकि फोल्डर को भी हमें बनाना पड़ता है, लेकिन फोल्डर में हम इन टर्म डेटा डायरेक्ट नहीं रख सकते। हाँ, फोल्डर में हम फोल्डर रख सकते हैं और फोल्डर में हम फाइल रख सकते हैं, और फाइल के अंदर वो हमारा डेटा होता है। लाइक समझेंगे, एक फोल्डर हमारा स्कूल बैग की तरह होता है और फाइल्स हमारी बुक्स और कॉपीज़ की तरह होती हैं, जिसमें हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है। तो अभी देखते हैं फोल्डर वगैरह कैसे बनाते हैं, इसके डिफरेंट वेज़ क्या हैं, और कुछ एरिया पे कैसे फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मिनिमाइज़ कर दिया इन सबको और ये आ गए हम अपने डेस्कटॉप पर। तो
तो देखें डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप हमारी वो स्क्रीन होती है जो आपके सामने नज़र आ रही है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव स्क्रीन कह सकते हैं। यहाँ से हम हर फाइल को, फोल्डर को, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम हर चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए हम इसको डेस्कटॉप कहते हैं। अब ये जो डेस्कटॉप है इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इस डेस्कटॉप का जो यूटिलाइजेशन है, एक मिनट रहिएगा ज़रा। तो इसका जो यूटिलाइजेशन है, एक मिनट रहिएगा, तो इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इसका यूटिलाइजेशन ऐसा है कि ये हमारे सामने जो पिक्चर्स आ रही हैं, छोटी छोटी आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं आइकॉन्स, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं आइकॉन्स। तो ये आइकॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट करते हैं, आइकॉन्स प्रेजेंट करते हैं किनको, फाइल्स को, फोल्डर्स को, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को एंड ऐप्स को। तो ये सारी चीज़ों को जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं ये आइकॉन्स कर रहे होते हैं। ये समझ लें आइकन एक आइडेंटिटी होती है, एक लोगो होता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का कंप्यूटर में। तो अब हम अपना फोल्डर कैसे बना सकते हैं, तो बहुत डिफरेंट तरीके हैं फोल्डर बनाने के। जैसे कि अगर हम किसी भी एम्प्टी एरिया में राइट बटन दबाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे फोल्डर पे, तो ये एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर का अगर हम कोई नाम रखते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस फोल्डर का हम नाम रख लेते हैं यहाँ पर जाके पाकिस्तान नाम रख लेते हैं, तो इसका नाम पाकिस्तान हो जाएगा। और अगर कोई दूसरा फोल्डर बनाना है तो राइट बटन दबा के एक और फोल्डर यहाँ बना सकते हैं, जैसे कि अमेरिका के नाम का, ठीक है, अमेरिका के नाम का हमने फोल्डर यहाँ बना लिया। इस तरह हम दूसरे एरियाज़ पे भी फोल्डर बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से राइट बटन दबा के न्यू करके यहाँ पर भी एक फोल्डर बना सकते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया माई फाइल्स के नाम से, तो डिफरेंट एरिया पे फोल्डर बनाए जा सकते हैं। और ये इसका रिस्टोर का बटन है, मैक्सिमाइज़ का बटन है, मिनिमाइज़ का बटन है, जिससे टेम्पररी किसी भी फोल्डर या फाइल को यहाँ पर मिनिमाइज़ किया जा सकता है, या डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर। अब इस फोल्डर का नाम चेंज करना है तो राइट बटन दबाया, हमने रीनेम कर दिया और इसका नाम रख दिया हमने एशिया। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। अब इस फोल्डर को उठा के अगर इसके अंदर रखना है तो इस पर राइट बटन दबाएंगे और इसको यहाँ से कट करेंगे, और जिस फोल्डर के अंदर रखना है वहाँ पर जाके राइट बटन दबा के पेस्ट करेंगे तो ये फोल्डर उसके अंदर चला जाएगा। इधर इस फोल्डर के अंदर और फोल्डर बनाने हैं, सपोज टू भी यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक हमने सऊदी के नाम से फोल्डर बना दिया, तो ये सऊदी के नाम से फोल्डर बन सकता है। और अगर कीबोर्ड की मदद से फोल्डर बनाना है तो ये देखिए इसमें हमें तीन बटन को एक साथ दबाना है, पहले कंट्रोल को होल्ड करना है और अल्टर को होल्ड करना है, दोनों को दबा के रखना है, और तीसरा बटन हमें दबाना है, सॉरी कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करना है, यानी कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को होल्ड करना है, तीसरा बटन एन दबाना है, तो एक फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट को मैंने होल्ड कर लिया अपने कीबोर्ड पर से और एन का बटन दबाया, तो देखिए यहाँ पे एक और फोल्डर बन गया जिसका नाम हमने रख दिया सपोज टू बी यूएई। तो इस तरह से हम डिफरेंट फोल्डर्स कहीं भी बना सकते हैं। अब हमने अपना ये जो फोल्डर यहाँ बनाया था एशिया का, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है डॉक्यूमेंट्स के एक फोल्डर में जिसका नाम था माई फाइल्स, तो यहाँ से हम इसको करेंगे कट और वहाँ पर जाके हम इसको क्लिक करेंगे और माई फाइल्स वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे, एम का बटन दबाते हैं, तो ये देखिए एम को टारगेट करता जा रहा है जितनी भी एम से शुरू होने वाले फाइल्स एंड फोल्डर हैं, उसमें माई फाइल्स में जाके हमने यहाँ पर राइट बटन दबाया और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए एशिया वाला फोल्डर इसके अंदर पेस्ट हो गया और वहाँ से ये ख़त्म हो चुका है। अब सिमिलरली अगर मैं इस माई फाइल्स वाले फोल्डर को यहाँ से वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे पहले इस माई फाइल वाले फोल्डर को अगर मैं कॉपी करूँगा तो वो यहाँ पर भी रहेगा, और यहाँ पर राइट बटन दबाऊंगा और पेस्ट करूँगा तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। इस तरह से आप एक फोल्डर को एक दूसरे जगह पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप कॉपी पेस्ट किसी फोल्डर को करेंगे, लेट सपोज आप अपने कंप्यूटर में से किसी फोल्डर को कॉपी कर रहे हैं किसी यूएसबी के अंदर, तो वो आपके कंप्यूटर में भी रहेगा और यूएसबी में भी इसकी कॉपी चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको कर रहे हैं कट पेस्ट, लेट सपोज अगर मैं इस फोल्डर को यहाँ से एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट कैसे करते हैं, फोल्डर को राइट बटन दबाएंगे, डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इस फोल्डर को यहाँ से करता हूँ कट और दूसरी लोकेशन पर जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट, तो वो फोल्डर यहाँ से कट हो जाएगा और दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा, इट मीन यहाँ से डिलीट हो गया और वहाँ पर वो नज़र आ रहा है। यही काम आप फाइल्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस फाइल को यहाँ से कॉपी किया और इस फोल्डर के अंदर जाके मैंने इसको राइट बटन दबा के पेस्ट कर दिया, तो इसकी फाइल की एक कॉपी यहाँ से इसके अंदर चली गई और वो इसके अंदर नज़र आ रही है। तो कॉपी पेस्ट से आप अपने कंप्यूटर से डेटा मेमोरी कार्ड में, मेमोरी कार्ड से डेटा अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। ये सारे काम आप इसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं।
और डिलीट करने के बाद जो फोल्डर है वो चला जाता है रिसाइकल बिन के अंदर। रिसाइकल बिन खुद हमारी विंडोज़ का वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे डिलीट किए हुए फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम जाके रिसाइकल बिन पर तलाश करते हैं, ये रहा रिसाइकल बिन। यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो अभी जो हमने फोल्डर डिलीट किया था वो भी नज़र आ रहा है, और कुछ फाइल्स एंड फोल्डर वो भी डिलीट हुए हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास दो चॉइस है, राइट बटन दबा के रिस्टोर करूँगा तो ये फोल्डर अपनी जगह पर पहुँच जाएगा, और डिलीट करूँगा तो ये कम्प्लीटली मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ से डिलीट हो गया। और अगर इसको भी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ से भी डिलीट किया जा सकता है, इजीली सेलेक्ट किया यहाँ से और डिलीट कर दिया, ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और मेरे कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा। तो ये आज हमने देखा थोड़ा सा विंडोज़ का इंट्रोडक्शन इंटरफेस का, कि किस एरिया को हम क्या कहते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमने फोल्डर्स और फाइल्स के बारे में डिफरेंस के बारे में जाना, विंडोज़ के बारे में 10, 7 के बारे के डिफरेंस के बारे में जाना, और फिर हमने देखा कि फोल्डर फाइल्स वगैरह वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, कट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं। और यही ऑपरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़ आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर या फाइल पर काम करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा तक पढ़ लिया लेकिन उनको ये चीज़ें आखिर तक नहीं आ रही।